चलो बच्चों, तुम लोग फटाफट आंसर्स याद करो, वरना आज मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दूंगा। सर, हमसे याद ही नहीं हो रहा, कैसे याद करें आप? अच्छा, याद नहीं हो रहा? 10 मिनट का गाना तो तुम्हें 2 सेकंड में याद हो जाता है, एक छोटा सा आंसर तुमसे याद नहीं हो रहा? चुपचाप याद करो, वरना तुम लोग आज यहाँ पर दिन भर बैठे रहोगे। नहीं सर, हम दिन भर यहाँ नहीं बैठ सकते, हम तो घर जाएंगे। तो फिर तुम लोग ज्यादा बकवास मत करो, चुपचाप पढ़ाई करो, पढ़ो। ओए मीना, देखना, ये सर तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, हम घर कैसे जाएंगे? अगर हम दिन भर इसी कमरे में बंद रहे तो हम तो बोर हो जाएंगे ना। हाँ दिव्या, घर तो मुझे भी जाना है, लेकिन कैसे जाए? दिव्या चल ना, कुछ आइडिया लगा। हमेशा मुझे आइडिया लगाना पड़ता है, ठीक है, सोचते हूँ, रुक। हाँ मीना, हम ना एक काम करते। क्या? सुन, मैं ना तबीयत खराब होने का बहाना बनाऊंगी, फिर चक्कर आने का नाटक करूंगी और सर मुझे घर भेज देंगे। क्या दिव्या, तू मुझे यहाँ अकेले छोड़कर घर जाएगी? अरे मीना, तू पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेना। हाँ बोल। जब मुझे चक्कर आएगा तो सर मुझे थोड़ी ना अकेले घर भेजेंगे, मेरे साथ किसी एक को तो घर भेजेंगे ना, तो तू चली जाना मेरे साथ, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ हाँ ठीक है यार, ये तो मस्त आइडिया है, ऐसा ही करेंगे। चल चल, तू एक्टिंग कर। रो। आ, आ, मीना मुझे चक्कर आ रहे, पता नहीं मुझे सुबह से क्या हो गया, बहुत चक्कर आ रहे। आ, आ, अरे दिव्या जोर से चिल्ला ना, सर नहीं सुन रहे। अच्छा नहीं सुन रहे, रुक रुक चिल्लाती हूँ। आ आ सर सर आ आ सर सर आ, आ क्या हुआ दिव्या, क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? आ सर, मुझे बहुत चक्कर आ रहे, आ आ बहुत चक्कर आ रहे सर। आ आ तुम नाटक तो नहीं कर रही? अरे सर, मैं क्यों नाटक करूंगी, मुझे सच में चक्कर आ रही है। थोड़ी देर पहले तक तो तुम बिल्कुल सही थी, अभी अचानक से तुम्हारा सर क्यों चक्कर रहा है? नहीं सर, मुझे ना सुबह से ही बहुत चक्कर आ रही थी, मैंने सोचा मैं क्यों स्कूल एब्सेंट करूंगी, इसलिए मैं स्कूल आ गई। आ अभी तो बहुत ज्यादा ही चक्कर आ रही है सर, मुझे घर जाने दीजिए ना प्लीज सर। अरे घर जाने की क्या जरूरत, रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ओए मीना देखना, सर तो डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहे, अब हम क्या करेंगे? रोक दिव्या, सर को रोक, वरना हम फंस जाएंगे। रुकती रुकती रुको, सर सर डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। सच्ची तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर पढ़ाई करो। मीना अब हम क्या करेंगे, फिर से एक्टिंग कर। ठीक है करती हूँ। आ सर, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं सर, अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं सर, आ मुझे घर जाने दीजिए सर। आ, आ अरे तुम मुझे रोको मत, इस बार मुझे डॉक्टर को फोन करे दो, मैं अभी बुलाता हूँ डॉक्टर को। हेलो डॉक्टर, इमरजेंसी है, आप जल्दी से कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल आ जाइए, अभी के अभी, मेरे एक स्टूडेंट का तबीयत खराब हो रहा है। हाँ आप जल्दी से आ जाइए, जल्दी से, इमरजेंसी है। हाँ 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 तुम टेंशन मत लो दिव्या, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आते ही होंगे, तब तक तुम अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है? अरे मीना अब हम क्या करेंगे, सर ने तो डॉक्टर को बुला लिया है, अब डॉक्टर को पता चल जाएगा कि मैं बहाना कर रही हूँ, अब हम पकड़े जाएंगे। अरे कैसे पता चलेगा, डॉक्टर थोड़ी ना तेरे भेजी के अंदर घुसकर चेक करेगा कि तुझे चक्कर आया है या नहीं। हाँ मीना ये तो तुमने सही बात किया, मैं तो सोचा ही नहीं था, तू ना सही वक्त में सही बात करती है। रुक रुक मैं फिर से एक्टिंग कंटिन्यू करती हूँ। अरे तुम दोनों कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। सर मुझे अभी भी बहुत चक्कर आ रही है, जाइए ना मेरे लिए पानी लेकर आइए। हाँ हाँ जाता हूँ मीना, दिव्या के लिए पानी लेकर आ। नहीं सर मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, पैरों में घुंघरू बांध कर रखा है क्या? नहीं सर, पैरों में दर्द हो रही है। तुम लोगों का भी नहीं, स्कूल में आने के साथ साथ तबीयत खराब हो जाता है, किसी किसी का सर चकराता है तो किसी किसी के पैरों में दर्द होता है। अरे सर ज्यादा मत चिल्लाइए ना, मीना को मेरे साथ रहने दीजिए, अगर ये मेरे साथ रहेगी तो मुझे अच्छा फील होगा। हाँ ये भी है, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है सर। अच्छे से रहना ठीक है, डॉक्टर आते ही होंगे। ओए देख देख सर तो चले गए, यही चाहिए मौका, चल हम भी भाग जाते हैं। चल चल चल। कहाँ भागने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं सर, कहीं नहीं। तो फिर तुम दोनों खड़े क्यों हो? वो सर मेरा ना बैठे बैठे सिर भारी हो रहा था, इसलिए मैं खड़ी हो गई। अच्छा ये लो तुम्हारा पानी। थैंक यू सर। चलो आप बैठ जाओ चुपचाप, डॉक्टर आते ही होंगे। ठीक है सर। देखना मीना, हम लोग का भागने का कितना अच्छा मौका था ना, लेकिन ये सर राजधानी एक्सप्रेस की तरह 1 सेकंड में पानी लेकर आकर सारा प्लान चौपट कर दिया हमारा। अब तो मुझे डॉक्टर से इलाज करवाना ही पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है मीना, कहीं वो डॉक्टर मुझे इंजेक्शन ना लगा दे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू सुब सुब बोल। ठीक है भगवान हमारी रक्षा करना। बउआ
ओहो, मुझे कितने जोरों से टॉयलेट लग रही है। कहाँ पर जाऊँ? यहाँ पर जाती हूँ। एक काम करती हूँ, ये सामान यहीं रख देती हूँ। बादल नहीं है भैया, हमारा दिमाग था। अरे वाह, इतना सारा सामान। चले पहन लेती हूँ जल्दी जल्दी। मुझे नया नया सामान मिल गया। अरे मेरा सामान कहाँ चला गया? मैंने तो यहीं पर रखा था। लगता है चोरी हो गया। ढूंढती हूँ, कहाँ पर ढूंढूं? स्कूल की तरफ जाती हूँ। अरे ये डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए? अब तो बहुत देर हो गई। सर अब तो मुझे घर जाने दीजिए। देखिए अभी तक डॉक्टर नहीं आए, मैं घर जाकर अपना इलाज करवा लूंगी। अरे तुम इतनी देर तक रुकी हो तो और थोड़ी देर तक रुक जाओ, डॉक्टर आती होगी। लगता है वो ट्रैफिक में फंस गई होगी। आती होगी, तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर तक कंट्रोल करो, ठीक है? देखो मैंने कहा था ना डॉक्टर आती होगी, वो देखो आ रही है। लेकिन ये डॉक्टर स्कूल की तरफ ना आकर सीधा क्यों जा रही है? मैं बुलाता हूँ। अरे डॉक्टर कहाँ? इधर आइए इधर। कौन? मैं आऊँ? मुझे बुलाया? हाँ आपको बुला रहा हूँ मैं, अब आइए जल्दी आइए, बहुत देर हो गया। ठीक है आती आती हूँ। आइए। क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया? आपने मुझे चॉकलेट देने के लिए बुलाया ना? दीदी जल्दी दीजिए, मुझे चॉकलेट खाना है। ओए देख डॉक्टर होकर बच्चों की तरह चॉकलेट मांग रही है। अरे डॉक्टर ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आपको चॉकलेट क्यों दूंगा, वो तो आप खुद भी खज कर खा सकती हो। वो सब छोड़िए, ये देखिए ये है आपकी पेशेंट। ये दोनों दीदी कौन है? अरे डॉक्टर आप क्या स्क्रू ढीला है, आप हमसे कितनी बड़ी हो फिर भी आप हमको दीदी बुला रही हो। इतना सम्मान तो आज से पहले हमारा किसी ने भी नहीं किया। अरे दिव्या तुम्हारा तो तबीयत खराब था ना, तुम्हें चक्कर आ रही थी ना? हाँ सर। क्या चक्कर? तो फिर इतना बड़बड़ क्यों कर रही हो और इतना हंस क्यों रही हो? वो सर इस डॉक्टर का बात सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। चुप करो तुम, आराम से रहो। डॉक्टर मैडम मुझे पता नहीं आप इस तरह की अजीब बातें क्यों कर रही हो, मुझे उससे मतलब भी नहीं है। आप फटाफट इसका चेकअप कीजिए, इसका इलाज कीजिए। आप फिलहाल ये स्कूल में है तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना इसका देखभाल करने का, तो आप फटाफट से इसका चेकअप कीजिए और इसका इलाज कीजिए, पता नहीं इसे क्या हो गया है। दीदी आपको चक्कर क्यों आ रहे हैं? डॉक्टर मैडम आप क्या पागल हो? हाँ मैं पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ। देखना मीना ये खुद ही बोल रही है कि ये पागल है। सर सुना आपने, ये खुद ही बोल रही है कि पागल है। आपने क्या मेरा इलाज कराने के लिए एक पागल डॉक्टर को बुलाया? आप क्या चाहते हो कि मैं पागल बनूं? ठीक है आज मैं अपने पापा को बता दूंगी कि आप मुझे पागल बनाना चाहते हो। नहीं नहीं दिव्या तुम गलत समझ रही हो, ये पागल नहीं हो सकती, मैंने पागल डॉक्टर को नहीं बुलाया। सर आपकी बातों में ना कोई भी विश्वास नहीं करेगा, जरा इसके कपड़े तो देखिए, इसका बाल देखिए ना इधर से बिखरा हुआ है बिल्कुल जोकर की तरह, मुंह देखिए ना इधर काला इधर काला, शायद ये झोपड़ी से आई है, पागल कहेगी। सर आप ना मेरी बात मान लो, आप ना इस पागल डॉक्टर से अपना इलाज करा लो, फिर आप भी पागल बन जाओगे, फिर दोनों पागल पागल मिलकर डॉक्टर पेशेंट खेलते, आप पर बिल्कुल सूट करेगा। अरे ये बच्चे तो उल्टा मेरा मजाक उड़ा रहे, मुझ पर हंस रहे, पता नहीं ये डॉक्टर की जगह ये पागल डॉक्टर कहाँ से आ गई। मुझे इस पागल डॉक्टर का सहायता लेकर ही इन दोनों बच्चों को सबक सिखाना होगा। हाँ। चुप करो तुम दोनों, तुम दोनों को क्या लगता है यहाँ मजाक चल रहा है? ये डॉक्टर मैडम पागल नहीं है। क्या पागल नहीं है? नहीं ये तो बस एक्टिंग कर रही है, ये एक डॉक्टर के साथ साथ एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल एक्ट्रेस भी है, फिल्मों में काम करती है, अभी अभी अपना शूटिंग कम्प्लीट करके आई है और फिल्म में ये बनी थी पागल, तो बस अभी भी एक एक्टर में ही है, तो वो करेक्टर को बस निभा रही थी, है ना डॉक्टर मैडम? आप एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस भी हो ना, एक्टिंग कर रही थी ना? हाँ, मैं हीरोइन हूँ, हीरोइन, हीरोइन। देखा मैंने कहा था ना
ये तुम दोनों का टेस्ट ले रही थी, देखना चाहती थी तुम मेंटल पेशेंट के साथ किस तरह से बात करते हो, किस तरह उन्हें ट्रीट करते हो, और तुम दोनों के दोनों इनके परीक्षा में फेल हो गए। अब फटाफट इनसे माफी मांगो। सॉरी डॉक्टर मैडम, हमसे गलती हो गई। हाँ ठीक है चली 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 चली। लगता है मछली जाल में फंस गई। दोनों ने मेरे बातों पर विश्वास भी कर लिया। अब मैं इस पागल डॉक्टर का यूज करके इन दोनों को सबक सिखाऊंगा। मुझ पर हंसते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझे पागल कहते हो। अरे सर, आपने कुछ कहा क्या? हाँ कहा। क्या कहा? अब डॉक्टर मैडम फटाफट से तुम्हें इंजेक्शन लगा देंगी। इंजेक्शन अभी लगाती, किसका लगाना इंजेक्शन? मुझे बिना देखे बिना चेकअप किए मुझे ये इंजेक्शन कैसे लगाएगी? क्यों नहीं लगा सकती, जरूर लगाएंगी। उन्हें पता ही है ना तुम्हें चक्कर आया है, तो चक्कर का एक ही इलाज है इंजेक्शन लगाना। अगर इंजेक्शन लगाओगी तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगी। नहीं सर, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाओगी? लगाना ही पड़ेगा। डॉक्टर मैडम आप लगा दीजिए इसे इंजेक्शन। इन दीदी को लगाना है? ठीक है ठीक है, अभी लगा दो। अरे मीना बोल रहा, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है डॉक्टर मैडम, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, मुझे मत लगाइए इंजेक्शन। सर ये इंजेक्शन नहीं लगाएगी। चुप करो तुम, चुप चुपचाप बैठो ठीक है। तुम इंजेक्शन लगाओगी मतलब लगाओगी, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स का डांट नहीं सुनना है। तो डॉक्टर मैडम आप ज्यादा सोचिए मत, इंजेक्शन लगा दीजिए। ये तुमने क्या कर दिया? मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना था, इंजेक्शन इसे लगाना था। देख कर मीना, इस पागल डॉक्टर ने हमारे सर पे इंजेक्शन लगा दिया मेरी जगह। कितने जोर से लगा दिया मुझे इंजेक्शन। क्यों लगाया तुमने मुझे इंजेक्शन? भूल गए उस औरत की वजह से। अरे आंटी जी आप चिल्लाई क्यों? अरे पागल, तू मेरा सामान चुरा कर यहाँ डॉक्टर बनकर घूम रही है क्या? ये नकली डॉक्टर है, इसने आपके सामान चुराए थे। आपके चिल्लाने की वजह से इस पागल ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया इस लड़की के जगह। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। देखा मीना, मैं तुझे कहा था ना कि ये डॉक्टर नहीं, ये एक पागल है। फिर भी सर ने हमारी एक नहीं सुनी, उल्टा इस डॉक्टर को हमें इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। अच्छा हुआ सर के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, बहुत मजा आया। इसी बात में हो जाए डांस। मेरा सामान दे। दे दे पागल, तेरी वजह से मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ा। जा भाग जा भाग भाग। चलिए चलिए बताइए, आप दोनों में से कौन है पेशेंट, मुझे किसका इलाज करना है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम दोनों में से कोई भी पेशेंट नहीं है, वो तो बस हम दोनों को छुट्टी चाहिए था, इसलिए मैंने अपना सर चकराने का बहाना किया। क्या तुम दोनों नाटक कर रहे थे? हाँ सर। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मुझे उल्लू बनाओगे? आज तुम दोनों की वजह से मुझे उस पागल डॉक्टर को बुलाना पड़ा और मुझे इंजेक्शन भी लगाना पड़ा। सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है, तुम दोनों को आज मैं छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि ये सर हमें मार डाले, चलिए ऐसे भाग जाते। चल चल चल। रुको तुम दोनों रुको।